फैक्ट्स जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। नंबर वन, एक लड़की अपने प्यार के लिए अपने घर वालों से कितना लड़ेगी ये डिपेंड करता है कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता कितना बड़ा ढूंढ के लाते हैं। नंबर टू, SSC के एग्जाम में 1500 वर्ड से ऊपर का डाउरी पे ऐसे लिखते हैं, फिर उसी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से दहेज की कीमत फिक्स होती है। नंबर थ्री, लड़कियों को सुंदरता की वजह से जज किया जाता है और लड़कों को पैसे की वजह से जज किया जाता है, और इन दोनों ही केस में इंसान की जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। नंबर फोर, दहेज के लिए तो कानून है लेकिन जिन लड़कों को सैलरी कम होने की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है उनके लिए कोई भी कानून नहीं। नंबर फाइव, जब उसका तुतलाना बंद हो जाए तो समझ लेना आपका पत्ता कट, अब उसका नया बाबू थाना थाए। क्रिकेट में हुई हार या जीत को हम इंडिया के प्राइड से जोड़ देते हैं, वहीं इंडिया में आए हुए फॉरेनर्स के साथ जब हरासमेंट होता है उससे इंडिया की कितनी इमेज गिरती है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। नंबर टू, लोग अपने महंगे फोनों में स्क्रैच प्रूफ होने के बाद भी स्क्रीन गार्ड लगाते हैं लेकिन अपने सर की कीमत इतनी भी नहीं समझते कि एक हेलमेट लगा सके। नंबर थ्री, आपके सेलफोन में सबसे कम फोटो आपके माँ बाप की होती है। नंबर फोर, एक स्कूल के सेमिनार में अब्दुल कलाम जी से बच्चों ने एनवायरमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का इंटरेस्ट आज भी शादी ना करने की वजहों को जानने में रहता है। नंबर फाइव, जिनके माँ बाप कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो उनको ये नहीं पता होता कि गैंग का असली सरदार तो उनका बेटा ही है।